ऑलराइट, सो आज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो मेरे सामने खड़ी है एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली टाटा सफारी डार्क एडिशन। व्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू टाटा मोटर्स पुनीत एंड प्रथमेश्वर जिन्होंने जो मुझे ये गाड़ी प्रोवाइड की आप तक पहुंचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इस कार की जो कॉस्ट है स्टार्ट फ्रॉम 23 लाख गोज ऑल द वे अप टू 27 लाख रुपीज़। फ्रंट से शुरुआत करेंगे तो फ्रंट में जो है यहाँ पर आपको ये जो ग्रिल रहेगा यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिख जाता है। यहाँ पर जो आपको क्रोम में टाटा का लोगो दिख जाता है। और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये डार्क एडिशन जो है दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क है। और स्पेशली ये जो ब्लैक पेंट है काफ़ी ज़्यादा एक ग्लॉसी ब्लैक पेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है, पर आपको जो है थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह से इसको संभालना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल जो लुक है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर जो आपको DRLs मिल जाएगी मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा दूँ। और ये सी कुछ की जो है कुछ इस तरीके से दिखती है, मैं आपको इसकी हेडलाइट्स दिखा देता हूँ। सो ऑन होने पर जो है कुछ इस तरीके से दिखती है, मैं वापस आपको दिखा दूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और नीचे की साइड जो आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती है और फॉग लैम्प्स जो रहेंगे आपको मिलेंगे बल्ब में। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू वंस अगेन, पकड़ देते बंद। एंड इस गाड़ी में जो आपको एक 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है 4 सिलेंडर। सो साइड पे जो है यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ नोटिस होगी कि यहाँ पर जो आपको डार्क हैशटैग डार्क का लोगो दिख जाता है जो एम्बॉस्ड होकर बाहर आता है। अलॉय व्हील्स जो रहेंगे आपको मिलेंगे कम्प्लीटली ब्लैक अलॉय व्हील्स, आप देख सकते हो यहाँ पर हल्का सा, मैं ये बोल सकता हूँ कम्प्लीटली ब्लैक है, हल्का सा सिल्वर टिंट में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और साइड व्यू मिरर्स पे जो है यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स यहीं पर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, हैंडल बार्स पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है, और ओवरऑल रूफ पे भी जो है आपको हल्का सा ब्लैक कलर मिल जाएगा। और दिस इज़ दी बैक डोर का हैंडल बार। और अभी अपन आ जाते हैं बैक साइड पे। सो पीछे से जो है कुछ इस तरीके से दिखती है, एकदम ही मतलब यू नो कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट दिया हुआ है। टाटा का लोगो, सफारी का लोगो जो क्रोम में आता है, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि सफारी का जो लोगो है उसको क्रोम में रखा हुआ तो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। सो दिस इज़ द बैक व्यू, यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट्स दिख जाएगी। और अभी मैं जो आपको इसका बूट ओपन करके दिखा दूँ एक बार, यहाँ पर आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा दिख जाएगा। सो खोल के देख लेते एक बार, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये दोनों सीट्स जो है वो फोल्डेबल है, अगर आपको एक्सेस लगेज कैरी करना है तो आपको जो है इन दोनों सीट्स को फोल्ड करना पड़ेगा। और अभी इसको अपन कर देते हैं बंद और अभी अपन चेकआउट कर लेते हैं गाड़ी का इंटीरियर। सो आपको एक चीज़ यहाँ पर ये नोटिस होगी कि यहाँ पर जो आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है ये रहा, इसे वो एक्टिवेट हो जाएगा। ड्राइवर एज वेल एज़ को पैसेंजर के लिए आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। दरवाजे पे आते सो दरवाजे पे भी जो आपको एक कम्प्लीट ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट मिलता है। हल्का सा यहाँ पर आपको डॉटेड पैटर्न्स मिलेंगे जो ट्राई एरो के जो पैटर्न्स है यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो हल्के से डार्क ब्लू कलर में है। एम्बियन लाइट भी आपको ब्लू कलर की मिल जाती है। और यहाँ पर आपको वंस अगेन ब्लैक डॉट ट्रीटमेंट मिलती है। आप देख सकते हो ओवरऑल जो लुक है काफ़ी ज़्यादा कड़क। और यहाँ पर आपको एक हल्की सी छोटी सी लाइट मिल जाएगी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और सीट्स पे भी जो है आपको कंप्लीट ब्लैक कलर की सीट्स मिलती है, लेदर सीट्स मिलती है। और मैं अभी अपन अंदर बैठ जाता है। ओके भाई, थर्ड जो है काफ़ी बेहतरीन सा थर्ड यहाँ पर आपको मिल जाता है। सो स्टेयरिंग व्हील पे भी जो आपको एक कंप्लीट ब्लैक ट्रीटमेंट मिलती है, कम्प्लीटली यू नो लेदर भी जो है ब्लैक कलर में दिया हुआ है। और स्टिच वर्क भी जो है यहाँ पर आपको ब्लैक में ही मिलेगा। डिस्प्ले पे आता है तो इसका डिस्प्ले जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे हाउ इट लुक्स। एक कम्प्लीट स्वाइप मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको एनालॉग के साथ साथ एक कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टेयरिंग व्हील पे भी जो है आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा क्रोम में। और बटन्स भी जो है फुल्ली ब्लैक डॉट है, हल्का सा पियानो ब्लैक फिनिश आपको स्टेयरिंग व्हील पे मिलता है। और बैक लाइट जो रहेगी आपको वाइट में मिलेगी ताकि आपको यू नो दिक्कत ना हो इसको देखने में। यहाँ पर आपको 8.8 इंचेस का टच स्क्रीन मिलता है फ्रॉम हरमन कार्डन आपको। और इसमें एंड्रॉयड ऑटो एज वेल एज एप्पल कार प्ले का भी ऑप्शन मिलता है, विच इज़ रियली गुड। टच रिस्पॉन्स आप देख ही पा रहे हो काफ़ी बढ़िया सा है। और एक कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है डैशबोर्ड पे जो है आपको मैं ये नहीं बोल सकता ग्लॉस ब्लैक है, बट यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिश मिल जाता है। और बीच में आते तो यहाँ पर आपको हल्का सा ग्रे कलर का फिनिश मिलता है और हल्के से पैटर्न्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो एक एक्स्ट्रा लुक एंड फील ऐड करते हैं। ग्लव बॉक्स देख लेते हैं, ग्लव बॉक्स में खोल के दिखा दो, दिस इज़ द ग्लव बॉक्स।
क्या बात है। और यहाँ पर जो है एसी के आजू बाजू भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है, साइड एसी वेंट्स पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। मैं तो मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको यू नो ब्लैक कलर पसंद है तो ये गाड़ी जो आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करेगी। ये सारे के सारे एसी के कंट्रोल्स एंड दिस इज़ दी ऑटोमेटिक वेरिएंट। यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, ऑटो होल्ड मिल जाएगा, दो ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो है आपको चीज़ें रखने के लिए जगह भी दी हुई है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, साथ में आपको 5 वोल्ट के दो चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसको कर देते हैं बंद। और हैंडल बार्स पे भी यहाँ पर आपको मतलब जगह जगह पे आपको यू नो पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है। आपको थोड़ा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि बहुत सारा डिटेल में वर्क किया गया हुआ है। यहाँ पर आपको वाइट कलर की इंटीरियर लाइट्स मिल जाएगी। ये रहा सनरूफ के लिए बटन, मैं एक बार आपको खोल के दिखा दूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सनरूफ पे भी बाय द वे उन लोगों ने ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। सनरूफ ओपन होने पर कुछ इस तरीके से दिखती है। काफ़ी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको वैनिटी में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये ग्लास मिल जाता है यहाँ पे, अगर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड को, ओ साथ में लाइट्स भी है, सो अगर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड को मेकअप करना है ऑन द गो तो नाराज़ नहीं होगी। दैट वाज अ वेरी बैड जोक। सो दिस इज़ वंस अगेन द फ्रंट इंटीरियर ऑफ द टाटा सफारी ब्लैक एडिशन। भाई मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक एंड फील ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलता है, तो अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, मेरा तो फ़ोन नहीं करता है, ये मेरा फ़ोन है सस्ता सुंदर। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख के इसको यू नो चार्ज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल चार्ज नहीं हो रहा है, वो बटन ऑन हो चुका है स्क्रीन का, वरना तो यू नो चार्जिंग चालू हो जाएगा। सो दिस इज़ वंस अगेन द फ्रंट व्यू। अभी अपन एक काम करते हैं, अभी अपन जो है पीछे जाके देख लेते हैं एक बार। मैं कर देता हूँ बंद और इसको भी मैं आपको दिखा दूँ एक बार। सो पीछे के दरवाजे पे भी जो है आपको यहाँ पर वही सेम ट्रीटमेंट मिलता है जो आपको आगे के दरवाजे में मिलता था। ये छोटी सी एम्बियन लाइटिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, और दिस इज़ दी बैक व्यू। पीछे से जो गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है। दिस इज़ दी 7 सीटर, पीछे आपको और 2 सीट्स भी मिलती है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अभी अपन अंदर भी बैठ के देख लेते हैं। ये मैं आ गया अंदर, ये आप देख सकते हो, मतलब मैं पीछे बैठा हुआ और मेरे बरोबर सिर के ऊपर ये सनरूफ है। इसको मैं कर देता हूँ बंद। इसमें आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको और एक AC वेंट मिल जाएगा, और लेग रूम आप देख ही पा रहे हो, काफ़ी बढ़िया सी लेग रूम है। सफारी में तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर वंस अगेन ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाएगी, अब पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। मैं आपको जो हूँ फ्लैश मार के दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो ये मैंने फ्लैश ऑन किया। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आपको एक होल्डर मिलता है, एम्बियन लाइट मिल जाती है। क्या बात है, एक एम्बियन लाइट आपको वहाँ पे भी मिलेगी, काफ़ी बढ़िया सी लिट अप हो जाती है। और बैक से जो है कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा कड़क भाई, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, स्पेशली ये पैनोरामिक सनरूफ से। और आप देख ही पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा हेडरूम है, और सनरूफ जो बरोबर मेरे सिर के ऊपर आते हैं, सो पीछे वाले को भी ना वो अच्छा खासा व्यू मिलता है कि यार मतलब कोई देखने की गरज ही नहीं है। काफ़ी बढ़िया सा व्यू आपको ऊपर की साइड मिल जाता है, आप देख ही पा रहे हो, हेडरूम भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर जो है आपको दो चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। वापस से मैं आपको फ्लैश मार के दिखा देता हूँ। ये मैंने फ्लैश मारी, सो आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो है आपको दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं। हल्का सा हम्प मिलता है बीच में आपको कुछ इस तरीके से, और चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर वापस से, और कुछ चीज़ें भी आप यहाँ पर रख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से दिखती है। एंड पीछे की साइड जो है आपको 2 सीट्स मिलती है, और जगह भी काफ़ी बेहतरीन सी जगह मिलती है। आपको जो है ये सीट को फोल्ड करना पड़ेगा आगे, तब जाके आप पीछे की सीट्स को एक्सेस कर पाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो 2 सीट्स यहाँ पर आपको मिलती है। एसी के कंट्रोल्स वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, आप देख सकते हो वहाँ पर दिए हुए एसी के कंट्रोल्स। एम्बियन लाइटिंग मिल जाती है, और एसी वेंट आपको यहाँ पर भी मिलता है, आप देख सकते हो। दिस इज़ दी एसी वेंट, काफ़ी बढ़िया। सो पीछे वाले को भी यू नो वेंटिलेशन को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पीछे की साइड आपको एक वाइपर भी दिख जाता है। दिस इज़ ए 7 सीटर वेरिएंट। सो ये था एक कंप्लीट वॉक अराउंड ऑन द टाटा सफारी डार्क एडिशन। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जो है सारी की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे शोरूम की दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड एंड द व्लॉग हियर। आई होप यू इन दिस वीडियो गाइस, इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज DBS व्लॉग्स साइनिंग आउट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।